हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा चौथा दिन है, पांचवा दिन है। सो आज हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वाटर स्पोर्ट्स आप कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस रेट में कर सकते हो, प्रेफरेबल क्या है, क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स हैं, ये भी आपको दिखाते हैं गोवा में। और हम लोग भी आज दोपहर हो रहा है, आज का हाफ द टाइम हम लोग वहीं पे स्पेंड करने वाले। थोड़ा सा जल्दी उठी है तो आज हम लोग नहीं 12 बजे से अलार्म बज रहा था, उठी 1 बजे ही है, 1:30 बजे नहीं 12 बजे उठी। हो गया ठीक है। तो अभी हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, बीच कौन सा है और क्या रेट्स चल रहे हैं और क्या आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस पे कितना रेट्स है, ग्रुप है तो ये है, सिंगल है ये है, कपल है तो ये, आपको फुल डिटेल देते थोड़े टाइम में। तो लेट्स हेड ऑन टू द वाटर स्पोर्ट्स एरिया। तो हम लोग वैगाटोर के लिए निकल चुके हैं, हम वैगाटोर पहुँच रहे हैं, वहीं हम अपना वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं। थोड़ी सी ट्रैफिक है क्योंकि दोपहर का टाइम है, बट गोवा में स्कूटी चलाना एक अलग ही वाइब है क्योंकि कार तो मत लेके आना, रोड बहुत पतले हैं, बट स्कूटी के लिए क्यों, क्योंकि बहुत नेचर है, ट्रीज बहुत ज़्यादा है, आपको शेड मिल जाता है, उतना लगता भी नहीं है और स्कूटी आसानी से आप कहीं से भी निकाल सकते हो। सो हम लोग वैगाटोर बीच आ चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जो लोग वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग भी उनमें से एक होने वाले हैं, उनमें से ही एक होंगे ना, बहुत लोग यहाँ पे, बहुत धूप भी है, तेज़ धूप है, बट यहाँ की धूप नहीं लगती। हाँ यहाँ की धूप लगती नहीं है, मौसम यहाँ पे धीरे धीरे ठंडा हो जा रहा है, विंटर्स आ रहे हैं ना। तो अभी हम लोग पैडल पार किया और हम लोग जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स करने। अभी आपको मैं दिखाता हूँ वाटर स्पोर्ट्स कैसे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वो आप देखो, पैरा सेलिंग, जेट स्की, हाँ हम लोग भी करने वाले हो। सब बाय बाय, मैं चलाऊंगा, तू बैठेगी, पानी में नहीं गिराएगा ना? नहीं गिराऊंगा, तेरे को भी चलाना है। ठीक है चलाते हैं, मेरे को भी राइडर बनना है। पैरा सेलिंग उतना दूर हो रहा है, दूर लेके गया व्यू देखो बस आप, नाइस ना, मजा आ रहा है तेरे को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब वाटर स्पोर्ट्स करने, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या रेट्स हैं और क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स हैं। पैरा सेलिंग मेरे को दिख रहा है, मेरे को बैम्बू दिख रहा है, मेरे को बनाना बोट राइड दिख रहा है, फिर मेरे को जेट स्की भी दिख रहा है। सो हम लोगों ने अभी ये लिया है, एक कपल पैकेज आता है वो लिया है, इस पैकेज कपल पैकेज नहीं बेसिकली पैकेज है, एक बंदे का पैकेज है, दैट इज़ फॉर 1900 यहाँ पे। उसमें आप जेट स्की कर रहे हो, पैरा सेलिंग कर रहे हो और बम्पी राइड कर रहे हो और एक और चीज़ कर रहे हो, जेट्स मतलब एक और कुछ तो है, चार राइड है, क्या क्या है, पैरा सेलिंग, बम्पी राइड, जेट स्की और बस तीन, और पिकअप ड्रॉप बोट और पैरा सेलिंग में वाटर डिप। अच्छा तो ये पैरा सेलिंग में वाटर डिप भी है ना, तो बस सभी वही है जर्नी जा रहे करने। ऐश और नहीं, मेरा कोई नहीं लेगा, देखो कितना पड़ा है, देखो ऑल से यस आ जाओ सर, बोलो कैसा लग रहा है, अभी तो उधर जाके पता चलेगा ना। फोन लेके जाना है मेरा वाला, फोन लेके नहीं जाएगा, सिल पर छोड़ दो, मोबाइल लेके जाओ। हां लेके जा सकते, चलो फोन अलाउड है। अच्छा तो हम लोग पैरासेलिंग के लिए निकल रहे हैं, आपको पैरासेलिंग के लिए पहले बोट में लेके जाते हैं, उस बोट तक एकदम आगे तक, एकदम एंड तक, मतलब बीच मिड ऑफ द सी, और वहाँ पे जा करके हमको पैरासेलिंग कराते हैं। तो हम लोग अभी बोट में बैठे, आप देख सकते हैं हमारे साथ भी लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सीधे यहाँ पे हम लोग पैरासेलिंग करेंगे, हम लोग एक एक करके पैरासेलिंग करने आते हैं, तो ताकि हम लोग एक दूसरे को दिखा पाएंगे कि कौन कैसे पैरासेलिंग कर रहा है। हाँ और फिर रील्स भी तो लेना है, दोनों चीज़ करना है, तो इसलिए एक एक करके हम लोग पैरासेलिंग करने वाले हैं। तो चलो हम आपको दिखाते हैं हम पैरासेलिंग कैसे कर रहे हैं, पूरे भीगने भी वाले हैं, भीग तो नीचे से गए पर पूरा हम जा रहे हैं अभी पैरासेलिंग। तो अभी अरुण पैरासेलिंग के लिए रेडी है और ये गया ऊपर, कार्टून है पूरा, डूब गया। इसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ, एकदम जाने का मन कर रहा है मेरे को। Thank you.
ऊपर आओ। जब ऐश का नंबर आया, अब ऐश जा रही है। कम ऑन ऐश, बैठ जाओ, चलो। ऐश गई पैरासेलिंग करने। आगे बैठे हैं, देखो ये बोट है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, एकदम फुल एकदम फैल के बैठे हैं हम लोग। मतलब अभी आज का दिन थोड़ा एक्सपीरियंस, ऐश को यहाँ भी उल्टी हो रही थी बहुत। ऐश बोट में मेरे को नहीं समझता है, ऐश को उल्टी का कुछ तो रिलेशन है, बट मजा आ रहा है ना ऐश? बहुत मजा है, मेरे को गेम्स खेलने में पहले से बहुत मजा है। बचपन से जो खेली है ना, आओ मैं घर घर खेली, वो सीरियल आता था ना ऐसा, ऐसे खेली है। अरुण अभी जेट स्की में जा रहा है। आराम से भाई, आराम से। अरुण बहुत एक्साइटेड है और ये किसी की सुन नहीं रहा है, बस इसको खुद की करनी है। आराम से बैठो ना, बस देखो 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 अलग ही इसमें, अलग ही जोर में। मैं कोई मन कर रहा अभी जाने का, पर इसके बाद मैं जाऊंगी। अरुण मजा आ रहा है यार यहाँ पे बहुत। ये आई ऐश की बारी, ऐश उड़ाएगा। ऐश आराम से, आराम से। ऐश बाइक चला रहे, हमेशा बाइक पे बैठता था, अब चलाएगा मस्त एकदम उड़ा के लेके जाने का, ठीक है। चलो 3 2 1 बाय। तू अकेले जा रहा है, तेरा राइडर अंदर चल। कम ऑन ऐश, ये ऐश गया पानी में। ऐश तो उतर भी नहीं रहा है, उतरो, मजा आ रहा है, उतरो, चलो उतरो। अभी अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो मोबाइल था मैं, इसमें डालो, पर्स में डालो। हाँ मेरे हाथ में जाओ, बम्पर में जाओ। बम्पर में जाना है, ठीक है चलो बम्पर में जाते हैं। अभी हम बम्पी राइड के लिए जा रहे हैं, उसमें फोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग सीधे राइड, क्यों ऐश राइड करके आ जाएंगे। फोन हम देख के, फोन हम इन भैया को देने वाले हैं, तो फोन हम देख के जाएंगे और फिर और इन्जॉय करेंगे। ये बम्पी राइड मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, आप कहीं भी देख सकते हो बम्पी राइड कैसा होता है। वो दो लोग बैठ के जाते हैं और वो बोट खींच के लेके जाता है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो देखो ये बम्पी राइड चालू है, हम भी ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। हम लोग सारे एक्टिविटीज करके निकल चुके हैं, कपड़े गिरे हैं। ऐश ठंडी तो मेरे को लग रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। ऐश तो कांप रही है, क्यों ऐश कांप रहा है? ठंडी बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा लेना भूल गए और अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं होटल रूम में, चेंज करेंगे फिर कहीं रात में देखते हैं कि हम लोग कहाँ क्या करने के लिए, कहाँ करते हैं अच्छी जगह पर बैठ करके, और पीसफुली अब
फ्रेशन अप हो चुके हैं बहुत, पूरे गीले गीले आए थे हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद और ठंडी भी काफ़ी लग रही थी। तो अभी हम लोगों ने फ्रेशन अप किया, अब हम जा रहे हैं डिनर करने। तो आरंबोल में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, लैविश रेस्टोरेंट करके, हम वहीं पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग ऐसे मतलब वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स ऑफ आरंबोल है वो, और सुबह तक चलता है, बहुत लोग बैठते हैं वहाँ पे, बहुत लोग रहेंगे तो वहीं पे जाके खाने वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं और बहुत वेट करने के बाद खाना आया है। इधर भी झगड़ के आया है क्योंकि खाना बहुत लेट आया है और इसका ध्यान भी नहीं है, बस कुकर से खा रहा है, इसको पड़ी नहीं है देखो किसी को, मैं और मेरा खाना बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग डिनर करके आ चुके हैं, पेट भर के खाना खाया, हाँ। पेट बाहर आ गया है। तो अभी हम लोग अपने अपने कमरे में जाके सोने वाले हैं। अब हम लोग कल क्या करेंगे हमको खुद भी नहीं मालूम है, हम लोग कुछ स्पॉन्टेनियस प्लान करेंगे या फिर अभी थोड़ी देर बैठ के प्लान करेंगे, थोड़ा एडिटिंग बाकी है वो करेंगे और सो जाएंगे। एडिटिंग कौन करेगा वैसे? ऐश्वर्या। सो अभी फिर वो सब करके सो जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट। ऑल्सो गोवा के सारे ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है और कल हमारा गोवा का लास्ट ब्लॉग होगा, सो डू वॉच इट। थैंक यू।